हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल आज बना रही हूं आपके लिए विंटर स्पेशल रेसिपी। तो आज मैंने बनाया है गुड़ की खीर और इसके साथ बनाया है बाजरे के आटे की आलू मट्टी। तो इसे कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन है, मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 2 kg दूध ले लिया है। दूध में अच्छा मलाई वाला दूध मैंने यूज़ किया है, कल ही से बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था, बहुत ही अच्छी लेयर मलाई की आ गई थी और उस मलाई के साथ मैंने 2 kg दूध ले लिया है। तो इसे एक बार बॉयल किया हुआ दूध है और इधर मैंने बिल्कुल बारीक वाली चावल ली है। चावल को आपको 1/4 कप, देखो मैंने ये छोटा सा एक मेजरिंग कप जो आता है उसमें 1/4 कप मैंने लिया, तो 2 times इससे लिया है, मीन्स 1/2 कप मेजरिंग कप से मैंने 1/2 कप यहाँ पे चावल लिया है। इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और धो के एक बार ही रख लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और जब तक ये दूध गाढ़ा होता है इसे इसी में सोख होने के लिए छोड़ देना है। दूध को बीच बीच में चलाते रहना है जिससे कि तली में दूध बैठे ना, और मलाई के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्स आने तक बॉईल कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉईल अच्छा सा इसमें आ गया है, इसे हिलाते रहते हैं और उसके बाद गैस को बिल्कुल कम कर देना है और कम से कम 15 मिनट के लिए इसे मिट्टी के बर्तन में ही बॉईल होने के लिए छोड़ देना है, जिससे मिट्टी के बर्तन का अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाएगा और दूध भी बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। जो चावल मैंने सोख होने के लिए रखा था, तो 15 मिनट दूध वहाँ बॉयल हो रहा है, तो 15-20 मिनट चावल भी सोख किए हुए हो गया है। तो 2 चम्मच इससे अलग कर लेते हैं दूसरे बर्तन में और इसे हाथों से बस इस तरीके से मलना है, तो जिससे चावल के दाने जैसे कि आप देख रहे हैं टूट रहे हैं। तो इस टाइप से आप अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रबड़ी जैसा खीर बनेगा। अगर आपको दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके नहीं बनाना है खीर, मीन्स पतला खीर बनाना है, तो ये प्रोसेस आप स्किप भी कर सकते हो और दूध को बहुत ज़्यादा सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मुझे रबड़ी जैसी खीर बनानी है, इसके लिए मैंने चावल को अच्छी तरीके से तोड़ लिया है। तो 2 चम्मच चावल को तोड़ने के बाद सारा चावल इसमें सिफ्ट कर देना है, खड़े वाले भी और टूटे हुए दाने भी, सारे चावल मैंने इसमें सिफ्ट कर दिया है और फिर से इसे पका लेते हैं। बीच बीच में हिलाते हुए चावल को अच्छी तरीके से इसमें पका लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं देखने में तो दूध पहले से काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, और चावल को भी एक बार चलो चेक कर लेते हैं कि चावल कैसा पका है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि चावल यहाँ पे लगभग कुक हो चुका है, 85% के पक चुका है। कस की उंगलियों के बीच में ला के प्रेस करने पर चावल मैश हो जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा भी और कुक करना है। तब तक मैंने यहाँ पे गुड़ की 2 ढली ले ली है, खजूर गुड़ का मैं यूज़ कर रही हूँ। गुड़ को अच्छे तरीके से तोड़ लेते हैं, 1 पूरा ढली मैंने तोड़ लिया, बट पूरा यूज़ नहीं करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम की कटिंग कर ली है, गड़ी की कटिंग कर ली है और किशमिश को क्लीन कर लिया है, तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें। यहाँ पे जैसे कि चावल अब पक चुका है, 95% कुक्ड हो चुका है, तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और गुड़ यहाँ पे ऐड कर देना है। गैस को ऑफ करके ही गुड़ को ऐड करना है और तुरंत नहीं, हल्का सा ठंडा हो जाए खीर तो फिर गुड़ को ऐड करना है और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ड्राई फ्रूट डालना है और जब तक ये अच्छी तरीके से गुड़ मेल्ट ना हो जाए हिलाते रहना है। मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर भी यूज़ किया है थोड़ा सा, तो गुड़ जब तक मेल्ट ना हो इसे हिलाते रहे। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद फिर से मैंने गैस ऑफ कर दिया है और जैसे ही इसमें एक बॉयल आना शुरू हो जाए वैसे ही गैस को फिर से ऑफ़ कर देना है। तो मैंने गैस ऑन कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें फिर से बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। जैसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तुरंत गैस ऑफ कर देना है, इससे क्या होगा फ्लेवर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है गुड़ का, मिट्टी के बर्तन का और दूध का, इलायची पाउडर वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं खीर रेडी है, ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल रबड़ी जैसा हो जाएगा। इस प्रोसेस से आप बनाओगे तो गुड़ की खीर आपकी कभी नहीं फटेगी और बहुत टेस्टी रबड़ी जैसी बनेगी। खीर तो रेडी हो गई है फ्रेंड्स, तो चलो अब आलू की मट्टी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 आलू लिया है, उसे अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद छिल लिया है और फिर इसे कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद यहाँ मैंने बाजरे का आटा लिया है, पैकेट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, तो 2 कप मैंने यहाँ पे बाजरे का आटा लिया है और इसमें सारा मैश किया हुआ आलू जो हमने कद्दूकस करके रखा था उसे इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें डाला है हल्दी, जीरा, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, अदरक और लहसुन का पेस्ट, अमचूर पाउडर, नमक और उसके बाद लास्ट में हरा धनिया। इन सभी को डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हल्का फुल्का पानी का ज़रूरत पड़ सकता है, आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही पानी डालें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, 1-2 चम्मच पानी डालना है धीरे धीरे करके और ये अच्छी तरीके से डो के फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट में हाथ में थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया और फिर से इसे मिक्स कर लिया है। आटा रेडी है, तो इसे रख देते हैं एक साइड में, रेस्ट टाइम देने की ज़रूरत नहीं है वरना बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ ही साथ इसे इस टाइप से मट्टी बना लेना है और इसे डीप फ्राई कर लेना है, अच्छी तरीके से क्रिस्प होने तक डीप फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम में इसे अच्छी तरीके से कलर आने तक फ्राई करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मट्टी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। ठंडे ठंडे खीर के साथ गर्मा गर्म आलू की मट्टी सर्व करें और इसे विंटर में इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पसंद हो तो कुछ नमकीन में आप हरी चटनी का यूज़ कर सकते हो,
और इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये कंप्लीट मील है, बहुत ही टेस्टी यमी लगता है और रोज़ के खाने से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी लगता है। जिस तरीके से मैंने बनाया सेम प्रोसेस फॉलो करना है और बहुत ही टेस्टी डिनर बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे डिनर, लंच या कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज इतना टेस्टी लगता है कि मैं तो इसे किसी भी टाइम इंजॉय कर सकती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्सचर इसका बिल्कुल रबड़ी जैसा आया है। और कचौड़ी को भी एक बार ही देख लेते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल की कचौड़ी या आलू मट्ठी या पूरी, जो भी आप इसे कहें, बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है बाकी कचौड़ियों, पूरी और मट्ठी से, बिकॉज इसे बाजरे के आटे से रेडी किया गया है। तो आप भी इसे बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा, इंजॉय करना खीर के साथ इसे इंजॉय करना। मिलती हूँ अगली टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।